और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिला है, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, वहीं शीला मंडल को परिवहन विभाग दिया गया है। रत्नेश सदा को मद निषेध विभाग मिला है, लेसी सिंह को खाद आपूर्ति विभाग, वहीं महेश्वर हजारी को आईपीआरडी विभाग मिला है, विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही मंत्रियों ने शपथ लिया और आज विभागों का बंटवारा हुआ है। मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा किया गया है। सुनील कुमार को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी, शीला मंडल को परिवहन विभाग, तो वही रत्नेश सदा को मद निषेध विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा लेसी सिंह को खाद आपूर्ति विभाग, महेश्वर हजारी को आईपीआरडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। और संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कल ही मंत्रियों ने शपथ लिया और आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, क्या पूरी जानकारी इसे लेकर, पूरी लिस्ट सामने आई है? देखिए, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और कई जदयू कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभाग पहले की अपेक्षा बदले हैं। जैसे शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उनको जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, और मद निषेध विभाग के मंत्री थे सुनील कुमार, उनको शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। महेश्वर हजारी जो उनको सूचना जनसंपर्क विभाग दिया गया है, तो लेसी सिंह उनको खाद आपूर्ति विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी जो पहले भवन निर्माण मंत्री थे उनको अब ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है, और नीतीश मिश्रा को उद्योग और पर्यटन विभाग दिया गया, जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। नितिन नवीन को नगर विकास विभाग मिला है, और रेणु देवी को मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। तो एक तरह से कहिए कि कई विभागों का बंटवारा हुआ है, और उसमें जो पुराने मंत्री रह चुके हैं उनके विभागों में भी तब्दीली आई है और उन्हें नया प्रभार मिला है। तो जदयू कोटे के जो मंत्री थे उन मंत्रियों में भी अधिकांश का प्रभार बदल गया है। हालांकि लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति मिला है, लेकिन अशोक चौधरी को भवन निर्माण विभाग के बदले ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेवारी मिली है। रश्मि, बिल्कुल, और मंत्रियों के बीच विभाग को लेकर फेरबदल भी किया गया है, कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी, बीजेपी के तरफ से जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें कौन सा विभाग सौंपा गया है? सुरेंद्र मेहता को खेल मंत्री बनाया गया है, केदार गुप्ता को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, संतोष कुमार को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी के जो कोटे के मंत्री हैं उनको भी, उनके भी विभागों में बदलाव हुआ है। कृष्णनंदन पासवान को गन्ना विभाग मिला है, और नीतीश मिश्रा को उद्योग एवं पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मंगल पांडे को जो है सो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, और दिलीप जायसवाल जो हैं उनको भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। जनक राम को फिर वही एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। जी, हरी सहनी को पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के कल्याण विभाग की मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई है। जी, बिल्कुल, तो नई जिम्मेदारी, और इस बार मंत्रियों के लिस्ट को अगर देखा जाए तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जिसे शामिल किया गया है नीतीश मंत्रिमंडल में, और विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। अशोक जी, बिल्कुल, और जो मंत्री हैं, जो बीजेपी कोटे के का जो विभाग था वो बीजेपी के मंत्रियों को सौंपा गया है, और जदयू कोटे की का जो विभाग था वो जदयू कोटे के मंत्रियों को सौंपा गया है। और जैसे मदन सहनी को आप ले लें तो समाज कल्याण विभाग पहले भी उनके जिम्मे था, उन्हें पहले वो भी दिया गया। शीला मंडल को अगर ले लें तो परिवहन विभाग उनके पास पहले ही था, अब अभी भी दिया गया है। रत्नेश सदा को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मिला है। तो विभागों में जो परिवर्तन हुए हैं वो जदयू कोटे के मंत्रियों में हुए हैं और बीजेपी कोटे के मंत्रियों में भी हैं। जैसे रेणु देवी पहले उप मुख्यमंत्री थी, लेकिन अब उन्हें दूसरे विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। और नीतीश मिश्रा जो थे वो पहले जो मंत्री रह चुके थे उनके विभाग में भी तब्दीली की गई है, और उनको भी अब एक तरह से कहिए कि नई जिम्मेवारी दी गई है। जी बिल्कुल अशोक जी, इसके अलावा देखिए शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो बिहार में लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जाती है, और ये जिम्मेदारी सुनील कुमार को मिली है। बिल्कुल, देखिए सुनील कुमार
बार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और वो काबिल भी हैं, तो वो दूसरी बात है कि अधिकारी के रूप में भी जो दायित्व होता है उसकी जानकारी उनको है, वो उसकी जिम्मेवारी वो समझते हैं, और इसी यही वजह है कि उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है वो शिक्षा विभाग की दी गई है, ताकि शिक्षा विभाग में अधिकारियों के बीच टकराहट ना हो और काम भी सुगमतापूर्वक चल सके, इसलिए उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है। बिल्कुल, इसके अलावा शीला मंडल को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, महेश्वर हजारी को आईपीआरडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो कुछ बदलाव के साथ। और जेडीयू के मंत्रियों के पास पहले जो विभाग था वो उनके पास बना हुआ है, लेकिन कुछ फेर बदल भी इस लिस्ट में किए गए हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि जैसे शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, तो उन्हें जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी पहले भवन निर्माण मंत्री थे, उनको ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है। तो कई विभागों के मंत्रियों के विभागों में तब्दीली हुई है, लेकिन कुछ विभागों के मंत्रियों का को जस का तस रखा गया उनके पास। जैसे शीला मंडल को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी पहले भी थी, अभी उनको श्रवण कुमार जैसे उनको ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी पहले भी थी, अब भी है। सुनील कुमार मद्य निषेध मंत्री थे, उनको अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी। तो एक तरह से कई विभागों में फेर बदल भी कुछ मंत्रियों के किए गए हैं, लेकिन जदयू कोटे के मंत्रियों के की जो जिम्मेदारी थी उन्हें जो विभाग सौंपा गया था वो जस का तस रह गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया गया है और बढ़ते आगे